यही नौजवान कल के ड्रग एडिक्टर बनते हैं, यही पथराव करते हैं फिर, क्योंकि हमें आज तक कुछ नहीं दिया गया, हमसे सब कुछ छीना गया। देखो किस तरह हम पे तानाशाही सरकार। आप मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बताऊंगा। रिफ्का ये फोन था ना, फोन है रिफ्का, फोन था ना, फोन कर दिया। मैं आपको कह रहा हूँ, आप देख रहे हो बारिश में जम्मू कश्मीर का यूथ बाहर है, मौसम बदलने में देर नहीं लगेगी, मौसम बदलने में। आप अगर आपके पास हिम्मत है, आज इलेक्शन करा के दिखाओ, बारिश हो या तूफान, जम्मू कश्मीर का एक एक बच्चा आप लोगों की पुलिस हमें नहीं रोक पाएगी। आपने आप हमारे साथ आइए, हम एनजीओ के लिए जाएंगे, वहाँ एक मेमोरेंडम देंगे कि आप गरीबी के साथ और क्या करोगे। हम आपके साथ सर, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो ये प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, आज आम आदमी पार्टी की लूटफिंग कर रही है, जो आज से 20 दिन पहले एलजी साहब ने बोला था कि हम गरीबों के साथ नहीं छेड़ेंगे, लेकिन हम हमारी जो डिमांड है वो ये है कि ये रिटर्न ऑर्डर निकाले। ये बोलते हैं गरीब के साथ नहीं छेड़ेंगे, बट बार बार यहाँ के गरीब आवाम को, गरीब लोगों को तंग करते हैं। यहाँ के लोग डरते हैं सोने से, यहाँ के लोग बोलते हैं अगर सोएंगे क्या पता है रात को मकान उतारेंगे। ये जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आम आदमी पार्टी यहाँ इनको तानाशाही नहीं करने देंगे। हम यहाँ के पुलिस से बोलते हैं कि हमें एलजी ऑफिस तक जाने दीजिए, जब तक एलजी सरकार जो है इसके लिए रिटर्न ऑर्डर नहीं निकालेगी, हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। इंसाफ करो, इंसाफ करो।